तो yes, धमाकेदार वीडियो आप लोगों ने टाइटल ऑलरेडी देख लिया है बट मैं तो तब भी बताऊंगी क्यूँकी मुझे बार बार बताने में बहुत मजा आता है आज हम करने वाले है आइसक्रीम स्टिक्स पे पेंट कुछ भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो यार अब मैं ज्यादा बक बक नहीं करूंगी वी विल जस्ट ओके सो आई है कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ बट ऑल आई नो एस गिव माई हंड्रेड परसेंट ओके मैंने ले लिया अपनी बेसिक सी नॉर्मल सी पेंसिल उसी की हेल्प से मैं उबर खबड़ टेक्सचर पे रफ स्केच बना रही एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट इजी सो आई एम प्लानिंग क्यू ना मैं अल्कोहल मार्कर्स को यूज करके ही स्टार्ट करू अपनी इस क्रिएशन को बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड क्या इस आइसक्रीम स्टिक पे चलेंगे कि नहीं द्रदुक द्रुदुक यू uh, नो you इट know यार चल गया है यू ऑलरेडी सो यस आई एम गोना ऐड सम मोर डिटेल्स जिससे कि ये ऐसे ब्लैंड और बकवास ना लगे तो देखो अल्कोहल मार्कर्स का गेम तो चलता जा रहा है बट मुझे इतनी सैटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है. So thinking, क्यों ना मैं वापस से अपने है कुछ भी एक बात बताओ क्या आइसक्रीम स्टिक्स कलेक्ट करने का मुझे बचपन से शौक था जब मुझे पता भी नहीं था की आइसक्रीम स्टिक्स इतनी आराम से मिल सकती है उस टाइम पे ना मैं आइसक्रीम खाने के बाद प्रिजर्व करने की कोशिश करती थी आई नो दैट इज वेरी यकी बट क्या करू ऑलरेडी मैं हुआ से मजबूर <coughs> so, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे लोटसेस जो भी मुझे बना रहे थे जितने भी बनाते हैं वो मैंने बना लिया है अब टाइम आ चुका है हाइलाइट्स शो करने का उसके पत्तों पे अभी तक तो मुझे सही लग रहा है बट आई फील इसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट और होना चाहिए इसीलिए मैं बैकग्राउंड में dark colors अब डार्क कलर्स का यूज ज्यादा करूंगी आप देख रहे हो ना हम कैसे धीरे धीरे इस पेंटिंग में इस आर्ट पीस में जान डाल रहे हैं मतलब इट इज सो डैम इजी अगर हम प्रोसेस के साथ जाए तो बट अगर हम अचानक से कंप्लीट पेंटिंग देखते तो हमें लगता है ओ माई गॉड दिस इज सो डैम डिफिकल्ट बट अगर हम नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करें एक के ऊपर एक लेयर एड करते जाए तो किसी भी चीज को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं सो यस आई एम गोना क्विकली कंप्लीट दिस आपको मुझे खुद भी नहीं लग रहा था यार कि मैं एक आइसक्रीम स्टिक पे ये बना पाऊंगी मुझे बहुत ज्यादा so, तो मैं बैकग्राउंड में अभी ही लगा दूंगी वाई नॉट मैन हमने इतनी मेहनत करी है <laughs> इस बार कुछ तो मतलब सेकंड पीस में कुछ तो धमाकेदार हम करते ही है मैं तीन चार या पाँच छइसक्रीम स्टिक्स को आपस में चिका के उसके ऊपर कुछ बनाऊ रेजी आइडिया राइट तो चलो जल्दी से फेविकॉल की हद ऐसी मैंने आपस में स्टेक करूंगी

गुड लक चाम विच आदिज एल्कोहल मार्कस क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब इनको यूज किया था तो अच्छा बना था आई हैव दिस फीलिंग अगर मैं दोबारा यूज करूंगी तो एक और बार फिर अच्छा बनेगा ये थोड़ा टफ होने वाला है बिकॉज आप लोगों को पता है ना ये थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है पहले वाले पे तो बस हमें एक कोई पेंट करना था यार सो so, अभी हम हाँ, अपनी एंथन गाएंगे बॉब द करके दिखाएंगे बॉब द बिल्ड, हाँ, भाई हाँ, think, कर पाएंगे कि नहीं बिकॉज हाँ मुझे लग रहा है कर तो पाएंगे बट लेट्स सी क्या ही कर पाएंगे मतलब क्या ही हो सकता है

आई एम श्योर मेरी हिंदी टीचर देख के बहुत ही खुश हो रही होगी इस वीडियो को तो उनकी खुशी को बरकरार रखते हुए मैं आगे की वीडियो में सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग करूंगी ओ माई गॉड इज ऑन फायर फायर नहीं आग <laughs> शिवांगी आग पे है एनीवे वे गाइज आप देख रहे हो रहा धीरे धीरे कैसे इस नॉर्मल से आइसक्रीम स्टिक पे जान आती जा रही है जा रही है जा रही है विदाउट एनी स्टॉप तो इसी तरीके से अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि आप जो भी पीस बना रहे हो उसमें मजा नहीं आ रहा दैट इज बिकॉज आपने डिटेल्स उसमें अभी बराबर एड नहीं करे हुए हैं

बट कोई ना मैं अपनी पेंटिंग में तो कलरफुल घर ही बनाऊंगी एंड जल्दी जल्दी इसमें डिटेल्स ऐड करूंगी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हाँ अभी आज ही इसी वीडियो में इसी के साथ साथ आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूँ तो मैं ना कभी भी स्ट्रेस्ड होके या एंग्जाइटी में या एंशियस होके कोई भी पेंटिंग नहीं बनाती हूँ एकदम केयर फ्री होके ड्रॉइंग करती हूँ सो so, आप अगर डर डर के ड्रॉइंग करोगे ना कि हाई खराब ना हो जाए हाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो गड़बड़ तो डेफिनेटली होने वाली है सो so, अपने माइंड को ना फ्री रखो बेकार भी होगा तो सह लेंगे यार कर लेंगे ना मजा करना है बस हमें तो उसी के साथ मैं हमेशा ये डिटेल्स भी ऐड करती हूँ प्लान करके चलती कि मुझे इस तरीके से बनाना है मैं बस फ्लो के साथ जाती हूँ की मैं और ऐसा क्या ऐड करूँ जिससे और सुंदर लगे मैं थोड़ा और ऐसा क्या ऐड करूँ जिससे थोड़ी और बेटर लगे एंड दैट इज दोसे आई होप आई होप आई होप ये ज्यादा ज्ञान तो नहीं था ना बट ये दिस इज हाउ इट इज मैं थोड़ी और डिटेल्स ऐड करूंगी जमीन पे भी कुछ बनाऊंगी यार पत्थर कंकड़ कुछ तो बनाऊंगी ऐसे ही थोड़ा छोड़ दूंगी मतलब इस घर के लोग कहाँ जाएंगे दिस इज ऑलमोस्ट डन नाउ अब इसमें ना एक सरप्राइज एलिमेंट भी है जो कि मैं आपको बहुत ही जल्दी बताने वाली हूँ तैयार हो आप तैयार हो आप तैयार हो आप सच बताओ तैयार हो कि नहीं चलो बताई देती हूँ अब तो so, सबसे पहले तो मैं दोनों आर्ट पीसेस को साथ में रख देती हूँ जिससे कि आपको पता चले कि हमने क्या क्या बनाया दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है जबकि द बेस इज सेम सो टेक्निक के ऊपर होता है यार सब कुछ की पेंटिंग आपकी कैसी बन रही है हालांकि मीडियम्स एंड बेस दोनों चीजें सेम थी बस मेरा प्रोसेस डिफरेंट था एनिवे मैं ज्यादा आपको पकाने नहीं वाली अब मैं बताती हूँ सरप्राइज क्या था डाइज ये बंद भी हो सकता है एंड खुल के ये कंप्लीट हो जाएगा एंड एक इलास्ट्रेशन बन जाएगा दिस इज सुपर इजी एंड इट्स लुकिंग सुपर क्यूट मैं डेफिनेटली से

Please, please, please share it with your friends as well. So, yes, take care, stay safe, bye bye. And you know it, right? I love you guys so, so, so much.